तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये जो बहुत सारे टाइप का BLDC मोटर होते हैं तो इन पे एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ रहता है। तो इस नंबर का क्या मतलब है, किस प्रकार से इस नंबर से हम मोटर को एक क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कौन सा मोटर है जो अलग अलग टाइप का नंबर दिया हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें पूरा डिटेल से आपको समझाने वाले हैं। तो जैसे कि ये एक मोटर है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है RS 2205 और यहाँ पे 2300 KV फिर स्लैश CW, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इस पे जो ये अलग अलग टाइप से लिखा हो सकता है ये नंबर, बट यहाँ से क्या होता है, ये जो 2205 है तो ये दो अंक किसी और चीज़ को डिनोट करता है और ये दो नंबर किसी और चीज़ को डिनोट करता है। तो जैसे कि हमारे मोटर में आप देख सकते हैं, इस मोटर में स्टेटर है तो स्टेटर का ये डायामीटर है, जो मेरा स्टार्टर है उसका डायामीटर है ये, यानी कि 22 mm का इसका डायमीटर है, 0.05, यानी कि इसका जो लेंथ है हाइट, ये जो हाइट है ये 5 mm का है, यानी कि ये नंबर आप देख सकते हैं 22, और ये जितना नंबर बढ़ता जाएगा ये, तो मोटर का क्या होगा कि हाइट भी बढ़ता जाएगा, ऊपर होता जाएगा। और यदि ये बढ़ता है फर्स्ट 2 डिजिट तो उसका क्या होगा कि डायामीटर लंबा होता जाएगा, यानी बड़ा होता जाएगा। तो आप इस नंबर से समझ सकते हैं कि मेरा मोटर कितना बड़ा है, कितना हाइट वाला होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये चीज़ दिया हुआ रहता है। अब हम बताते हैं ये 2300 KV, 2300 KV का क्या मतलब है, यानी कि इसमें ये दिखाता है कि 2300 KV जो है KV है ये 1 वोल्ट पे इतना रोटेट करेगी, इतना RPM है इसका, 1 वोल्ट पे 2300 KV RPM है। तो जो भी हम लोग बैटरी यूज करते हैं इसमें, तो मान लीजिए कि थ्री सेल का बैटरी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट होता है, तो 12 वोल्ट मल्टीप्लाई 2300, ये नंबर 0 1 ज़्यादा लग गया है, 2300 KV, ये नो लोड का दिखाता है, नो लोड पे इतना RPM होगा, यानी कि मेरा हो जाएगा 12 3 यहाँ पे 6 फिर 24 12 2 24 और 3 27 100 RPM होगा, यानी कि 27,000 RPM होगा 3S बैटरी पर इस मोटर का, यानी कि ये KV जो जितना बढ़ेगा उसका RPM ज़्यादा होगा और जितना ये KV कम होगा उसका RPM कम होगा। नो लोड का ये यहाँ पे RPM इतना आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा KV का रहेगा तो ज़्यादा स्पीड वो चलेगा और कम KV का रहेगा तो कम स्पीड चलेगा। इसके बाद आते हैं ये CW क्या चीज़ रहता है इसमें, तो CW यानी कि क्लॉकवाइज, और एक ये CW लिखा हुआ है इस मोटर पे, दूसरा मोटर लिखा रहेगा CCW यानी काउंटर क्लॉकवाइज। इस मोटर के रोटेशन में एक ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस टू एंटी क्लॉकवाइज के जगह पे CC यानी काउंटर क्लॉकवाइज इसका मतलब रहता है, यानी कि जब भी आप मोटर खरीद रहे हो तो दो, यदि क्वाड कॉप्टर है तो 2 CW और 2 CCW का उस पर लिखा हुआ रहना चाहिए आपके मोटर पे। और एक ये मोटर है जिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4114 फिर ये हाइफन दे करके 11 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि 41 यानी उसका डायमीटर है और ये 14 जो है उसका हाइट है, उसका ये हाइट है। और ये 11 क्या होता है, ये 11 लिखा हुआ रहता है, जो अच्छी अच्छी मोटर होती हैं तो उन पे ये चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है, यानी कि जितना ये स्लॉट है स्टेटर में
स्टेटर में जितना स्लॉट है, तो एक स्लॉट में कितना नंबर ऑफ टर्न उसमें है, एक जो एक में ये कितना नंबर ऑफ टर्न वायर उसमें लगा हुआ है, उसका मतलब ये दिखाता है 11। यानी कि इस मोटर का जो एक स्लॉट है स्टेटर का, तो उसमें 11 11 राउंड किया हुआ है। यानी कि जो भी हम उसका उसको रीवाइंडिंग करेंगे तो ये चीज़ हमें जानने में अच्छा रहता है। तो आई होप ये इतना अभी जो भी नंबर इस पे लिखा हुआ है तो आप समझ पाए। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप मान लीजिए कि ज़्यादा केवी का, यानी कि मोर केवी का लीजिएगा, केवी का मोटर रहेगा तो उसका हाई स्पीड रहेगा और उसका टॉर्क जो रहेगा टॉर्क कम रहेगा। और जितना कम केवी का रहेगा मोटर, जितना कम केवी का मोटर रहेगा उसका जो टॉर्क रहेगा हाई रहेगा, यानी कि ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा लोड पे चलने वाला वो मोटर होगा, और ज़्यादा लोड पे चलेगा बट उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड उसका होगा कम, स्पीड कम रहेगा। तो आप उसके केवी से भी जान सकते हैं। और एक चीज़ इसमें आपको बता दूं, यानी कि ज़्यादा केवी का यदि मोटर रहेगा तो उसका प्रोपेलर छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, और ये जितना कम केवी का जाएगा उसका प्रोपेलर लार्ज रहेगा। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब भी आपको ड्रोन से रिलेटेड जानकारी रहनी चाहिए। तो ज़्यादा केवी का रहेगा तो उसमें प्रोपेलर छोटा लगेगा, कम केवी का रहेगा तो उसमें प्रोपेलर है जो लंबा यानी बड़ा लगेगा। तो आई होप इतना आप सभी को बहुत ही यूजफुल जानकारी मिला होगा। गाइज अभी तक से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।